दोस्तों आज हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि अस्थमा आखिर है क्या। तो अस्थमा एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम का मतलब होता है कि एक सीरीज ऑफ सिम्टम्स है जिसमें बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, उनके एक पैकेज को, उनको सबको मिलाकर जो है वो सिंड्रोम बोला जाता है। तो सामान्य भाषा में यदि हमें अस्थमा की डेफिनेशन देनी हो तो वो है कि अस्थमा लंग्स में हवा पहुंचाने वाले एयरवे में एक लॉन्ग टर्म इंफ्लेमेटरी कंडीशन है जिसके कारण ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स जो होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन होता है, जिसके कारण हवा जो है वो लंग्स तक जितनी मात्रा में पहुंचनी चाहिए उतनी मात्रा में नहीं पहुंचती है, जिससे पेशेंट को अलग अलग तरह के सिम्टम्स अलग अलग स्टेजेस में देखने को मिलते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में। तो आप सभी जानते होंगे अस्थमा के जो साइन और सिम्टम्स हैं वो बहुत कॉमन है, जैसे कि चेस्ट में वीजिंग होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मतलब सांस लेने में परेशानी होना, टाइटनेस ऑफ चेस्ट, सीने में जकड़न होना, टाइट महसूस होना, खांसी चलना, और ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये जो है वो रात में बढ़ जाते हैं। जिन लोगों में अस्थमा क्रॉनिक होता है उन लोगों में इनके साथ साथ बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, राइनोसाइनोसाइटिस, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें अस्थमा के पेशेंट्स को खाने में क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें अस्थमा में पेशेंट्स को खाने में क्या देना चाहिए। तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो है हरे पत्तेदार सब्जियाँ और जामुन। हरे पत्तेदार सब्जियों में और जामुन में बहुत अधिक मात्रा में विटामिन होते हैं और न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कि पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि विटामिन सी होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में यदि कोई व्यक्ति खाता है तो उसकी इम्यून पावर मजबूत होने लगती है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने लगती है और गले में घरघराहट की जो समस्या होती है वो भी कम हो जाती है। इसलिए हमें फल और सब्जियां जरूर खाना चाहिए। दोस्तों सब्जियों और फलों में बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्व होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे लाभदायक होते हैं। दोस्तों अस्थमा के पेशेंट्स को दूध पीना चाहिए। दूध जो है वो कैल्शियम का एक बहुत अच्छा स्रोत है, इसके अलावा इसमें बहुत अधिक मात्रा में मैग्नीशियम भी होता है। तो यदि अस्थमा के पेशेंट्स को हम दूध देते हैं तो उसको अस्थमा को ठीक करने में मदद मिलती है। मैग्नीशियम जो होता है वो ब्रोंकियल ट्यूब्स के मसल्स को आराम पहुंचाता है और लंग्स में जो एयरवे है उसको खुला रखने में मदद करता है। इसके अलावा अस्थमा में गाजर खाना चाहिए। गाजर हमारी आंखों के स्वास्थ्य के साथ साथ अस्थमा को भी ठीक करने में मदद करती है, क्योंकि गाजर में बीटा कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के द्वारा विटामिन ए में परिवर्तित हो जाते हैं, और विटामिन ए हमारी इम्यून पावर को मजबूत बनाता है। जब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी तो दोस्तों अपने आप हमारा जो अस्थमा के जो केस है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। इसके अलावा अस्थमा में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हरे पत्तेदार सब्जियों के साथ फल जरूर खाना चाहिए, क्योंकि इनमें बीटा कैरोटेन होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि अस्थमा के लक्षणों को कम करने में मदद करते हैं। एक रिसर्च की गई है दोस्तों, उसके अनुसार यदि बचपन में कोई व्यक्ति बहुत अधिक फल खाते हैं तो उन लोगों को अस्थमा के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम रहते हैं। इसके अलावा कीवी हो या संतरा हो, इन जैसे फलों में विटामिन सी और विटामिन ई बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं जो कि फेफड़ों की सूजन को कम करते हैं। दोस्तों इसके अलावा एवोकेडो खाना चाहिए। एवोकेडो में ग्लूटाथियोन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो फेफड़ों के एयरवे के जो टेंशन होता है जो उसमें आ जाता है अस्थमा के कारण, जो इन्फ्लेमेशन के कारण आ जाता है, उसको कम कर देता है और उसके जो टिश्यू होते हैं उनको डिके होने से बचाता है। इसके अलावा दोस्तों एवोकेडो में एक प्रकार की एक फैट होती है जो हमारे हार्ट को भी स्वस्थ रखती है और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी बेहतर बनाती है, इसलिए हमें अपने आहार में एवोकेडो को जरूर शामिल करना चाहिए। इसके अलावा हमें जिन चीज़ों से विटामिन डी प्राप्त हो सकता है हमें उनको ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि अस्थमा के रोगियों में आमतौर पर विटामिन डी की कमी देखी जाती है। इसलिए अस्थमा के रोगियों को दूध या जिन पदार्थों से हमें कैल्शियम प्राप्त हो सकता है वो देना चाहिए, जैसे सीताफल एक बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। इसके अलावा उनको धूप में ज़रूर बैठना चाहिए, सूरज की रोशनी लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारी बॉडी में विटामिन डी के सिंथेसिस को एग्रवेट करती है और जो ये बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सकती है। इसके अलावा अपने वजन को संतुलित जरूर रखना चाहिए। जो भी अस्थमा के पेशेंट्स हैं उनका यदि वजन कंट्रोल नहीं रहता है तो उनको फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने में मिलती हैं। आइए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें अस्थमा के पेशेंट खाने में क्या नहीं देना चाहिए।
तो सबसे पहले दोस्तों अस्थमा के जो भी पेशेंट्स होते हैं उनको हमें खाने में पनीर और मशरूम नहीं देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको फंगस से एलर्जी होती है, तो उन लोगों को मशरूम नहीं खाने चाहिए क्योंकि उनमें कुछ फंगस हो सकते हैं जो अस्थमा के जो सिम्टम्स होते हैं उसको ट्रिगर कर सकते हैं। इसी के अलावा बहुत सारे ऐसे पदार्थ जैसे खमीर युक्त पदार्थ जिनको बोलते हैं, जिनमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस हुई हो, जैसे सॉस हो सकता है, बियर हो सकती है, वाइन हो सकती है, इन सबको भी सावधानी पूर्वक उपयोग में लाना चाहिए। इनमें मिलाए गए वस्तुओं का जो स्तर होता है उसका हमें पता लगा लेना चाहिए और उसके बाद ही इनको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद हमें अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत कम मात्रा में नमक देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा नमक खाने से बच्चों में अस्थमा का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए ऐसे पदार्थ जिनमें नमक बहुत ज़्यादा मिला हुआ हो अस्थमा वाले पेशेंट्स को वो कम मात्रा में देना चाहिए। इसके अलावा अस्थमा में ड्राई फ्रूट्स भी नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनमें सल्फाइड्स होते हैं। उनमें सल्फाइड्स इसलिए मिलाए जाते हैं ताकि खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सके। इसलिए सल्फाइड्स युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं हमें वो अस्थमा के पेशेंट्स को नहीं देना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अस्थमा के पेशेंट्स को शराब और बियर से भी बचना चाहिए, क्योंकि इनमें भी सल्फाइड्स होते हैं। और यदि आपको खास तौर से ऐसा लगता हो कि शराब या बियर पीने के बाद खांसी या गले में घरघराहट होती है, तब आपको बिल्कुल भी शराब और बियर के सेवन नहीं करना चाहिए और उनसे बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे रिसर्च किए गए हैं जिनसे ये पता चला है कि शराब में हिस्टामिन होता है जो हमारी आंखों में पानी आना, बार बार छींक आना और गले में घरघराहट जैसे लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा दोस्तों जिन लोगों को अस्थमा की शिकायत होती है उनको प्रोसेस्ड फूड भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं, चाहे वो चाइनीज़ हो चाहे वो पैक्ड फूड हो, उनमें बहुत अधिक मात्रा में मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है जो कि अस्थमा के खतरे को बढ़ाता है। इसलिए इन पदार्थों से भी अस्थमा के पेशेंट्स को बचना चाहिए। इसके अलावा फास्ट फूड भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों फास्ट फूड खाने से मोटापा बढ़ जाता है और मोटापा हमारे लंग्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के द्वारा एक रिसर्च किया गया है जिसमें लगभग 20 लाख बच्चों पर ये रिसर्च किया गया और उनमें ये देखा गया कि जो बच्चे फास्ट फूड खाते हैं उनमें मोटापा के साथ साथ अस्थमा के सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा पाए गए, और इन बच्चों ने केवल 3 हफ्ते से ज़्यादा ही फास्ट फूड खाया था और उनमें अस्थमा का जो खतरा रहा वो 27% तक बढ़ गया। इसलिए हमें फास्ट फूड खाने से भी बचना चाहिए। अस्थमा के केसेस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। दोस्तों होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए, मुंह में अच्छे से कुल्ला करके गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से 2.5 घंटे बाद ही खाएं, और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का किसी भी चीज़ का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज़ की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज़ का स्वाद या किसी भी चीज़ की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीज़ों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं इनमें से किसी भी वस्तु का किसी भी चीज़ का स्वाद आपके मुंह में ना हो, यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर